मसीह खुदा यीशु के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम रेमंड डेविडसन और उम्मीद है कि आप सब इन तमाम मुसीबत के दिनों में अपनी तमाम उलझनों से लड़ते हुए आज तक की जिंदगी किस बिंब पर कायम है। मैं आपकी शुक्रगुजारी कर लेता हूँ कि तमाम व्यूवर्स के लिए और तमाम लोगों के लिए जो हमारी वीडियोस को और हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और तमाम एक तरह की एक्टिविटीज़ में हमारे साथ हिस्सा लेते हैं। आज हम लोग ना ही किसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, आज ना ही हम लोग किसी एक सेल्फ चीज़ के ऊपर देखेंगे, आज हम लोग अपने गेस्ट से मिलेंगे जो कि हमारे साथ इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में, एक खेल कूद के बारे में और उसकी अहमियत के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग आजकल एक कंपेन लेकर आए हमारे इस प्रोग्राम में, बी योर सेल्फ, खुद हो, जो आपकी एक तरह की एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के अंदर होने वाली तमाम असरात आपकी ज़िंदगी में वो कौन से और कैसे बेनिफिशियल हैं या नहीं, हम अपने गेस्ट के ज़रिए से अपनी स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस को जानेंगे और हम समझेंगे कि स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी और उसके अंदर होने वाले तमाम हरकत उसके क्या बेनिफिशियल हैं के नहीं। बिना अपने वक्त को ज़ाया किए आई हम अपने गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो जी हाँ नाजरीन, के जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे साथ हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं जो कि आज हमारे साथ इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में चंद एक गुफ्तगु करेंगे। तो बिना अपने वक्त को ज़ाया किए हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे और चंद एक सवाल अपने गेस्ट से करेंगे। तो मैं बेसब्री से इंतज़ार हूँ इनकी तमाम बातों को सुनने का। तो उम्मीद है कि इनकी तमाम बातें और हमारी हर एक तरह की जो डिस्कशन जो हम लोग यहाँ पे करेंगे वो आपके लिए बायस से बरकत और मोटिवेशनल ठहराएंगी। तो जी हाँ सर, कैसे हैं आप? शुक्र है खुदा का, आप सुने? शुक्र है खुदा उनका। तो जैसे कि आपने हमें बयान किया कि आप एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे नाज़रीन को अपने बारे में छोटा सा इंट्रो दें। मेरा नाम है अनूप खरून, मैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में एज अ बास्केटबॉल प्लेयर खेलता हूं और उसी कॉलेज में एज अ सेकंड ईयर स्टूडेंट पढ़ता भी हूं। वेरी गुड। तो मैं एक जो मेरा पर्सनल सवाल है जो कि मैं एक स्पोर्ट्समैन के लिए दिल में बहुत इज्जत रखता हूं, बट जो बेसिक चीज़ मुझे अपने स्पोर्ट्समैन से एक ही होता है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी क्या मिली कि आपने इस चीज़ को अवेयर किया और क्या वो अवेयर करने के बाद क्या आपकी ज़िंदगी कैसी रही, ये मेरा पर्सनल सवाल है प्लीज़। ये सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मुझे गॉड गिफ्टेड हाइट मिली एक, जो खुदा ने मुझे बख्शी, जो कि मेरे हाथ में नहीं है। तो एक स्कूल में, सेंट मेरीज स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, सेंट मेरीज ब्रांच 2, तो उधर ही बास्केटबॉल टीम के नाम लिख रहे थे, सर जमशेद कोच थे हमारे स्कूल के, तो मैं साथ ही खड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे की हाइट काफ़ी अच्छा है, तो इसको भी, इसका भी नाम लिखो, इसको भी बीच में टीम में ऐड करें। तो मुझे वहाँ से शौक भी था, लेकिन वो शौक था, लेकिन वो सर ने एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे एक मेरी हाइट की वजह से, तो उसी मैंने अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं होने दिया। उधर से फिर मैंने शुरू किया, लेकिन बिकॉज ऑफ पेपर्स वो फिर छूट गया बीच में। फिर आफ्टर मैट्रिक इन क्वारंटीन 2019, जब क्वारंटीन था तो लॉकडाउन में, फिर मुझे एक ग्राउंड का पता चला, इत्तफाक में ग्राउंड थी बास्केटबॉल ग्राउंड, वहाँ मैं गया, फिर मैंने वहाँ बास्केटबॉल शुरू किया। फिर मेरा दोस्त था रोबी, जिसने काफ़ी साथ दिया मुझे, मेरा था मेरे से एज में छोटा, लेकिन बास्केटबॉल में गेम में मेरे से सीनियर था, उसने मेरा काफ़ी साथ दिया, मेरा हाथ पकड़ा। और काफ़ी सीनियर्स हैं बास्केटबॉल ही खेलते हैं, बाहर क्यों नहीं गई हैं, सर नासिर जिनको सर गुल्लू के नाम से जानते हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, रोमस भाई और भी काफ़ी हैं जिनका नाम मैं नहीं ले रहा, आशर भाई, तो उन्होंने काफ़ी फिर एक रिस्पेक्ट, एक टाइम दिया उन्होंने, थोड़ा थोड़ा सारों से सीखने के लिए मिला, जिनको, जिसको मैंने ज़ाया नहीं किया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखता गया, फिर एज अब फिर इसको मैंने अपनी गेम को थोड़ा सा इसको मैं काम में लाया, क्योंकि लॉकडाउन के बाद पेपर थे, कोई रिजल्ट नहीं था आया, टाइम था, तो टाइम को मैंने ज़ाया ना करते हुए टाइम को मैंने अच्छी तरह यूज़ किया। तो काफ़ी 10 घंटे मैं एक दिन में गेम करता होता था, 5 घंटे, सुबह सुबह 5 बजे उठना, फिर शौक था ना, क्योंकि फिर वो ऑटोमेटिकली आँख खुल जाती थी, तो सुबह 5 बजे उठना, फिर 10 बजे जाना, फिर शाम को 5 बजे जाना, शाम को सीनियर्स आते थे उनके साथ, उनको दे बैठ के देखना, क्योंकि खेलने का मौका तो नहीं मिलता था क्योंकि सीनियर्स आए होते थे सारे, और लॉकडाउन में गेम भी बंद थी, तो यहाँ ही आते थे सारे, तो फिर बैठ के देखते थे, सिर्फ देखते नहीं थे, देख के सीखते भी थे, तो देख देख के काफी सीखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खिलाना भी शुरू किया अपने साथ, तो काफी हेल्प मिली मुझे। तो फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता जैसे क्वारंटीन खत्म हुआ, 10th के पेपर दिए थे तो एडमिशन लेना था, तो फिर पहले तो मैं किसी और कॉलेज में गया, फिर उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली हमारे यहाँ आशर भाई,
पहले तो खुदा का शुक्र है और खुदा के जरिए, खुदा ने एक जरिया बनाया आशर भाई को, उन्होंने मुझे कॉल की कि पंजाब में एज अ प्लेयर ज़रूरत है तो आप आओ। तो फिर उन्होंने, मैं एक टूर्नामेंट पे गया, उन्होंने मुझे वहाँ पे मिलवाया, स्पोर्ट्स डायरेक्टर के सेक्रेटरी हैं मुजम्मिल भाई, उनसे मिलवाया, फिर मैं उनसे मिलने गया, फिर उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपको स्कॉलरशिप देते हैं तो आप हमारी तरफ से खेलें और पढ़ें भी। तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं जाने दिया, तो मैंने एक्सेप्ट की और आज मैं बास्केटबॉल का प्लेयर हूँ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज। बेहतरीन, मतलब आपने मेरी ख्वाहिश को पूरा किया, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन के दिल से बहुत इज्जत करता हूँ। और आप जैसे कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में और हर एक तरह की जब भी एक टॉपिक को लेकर आता हूँ, मैं अपने स्पोर्ट्स, रिलीजन और म्यूज़िक को ज़रूर रखता हूँ। और ये स्पोर्ट्स मेरे लिए इतना मैटरेबल इसलिए है क्योंकि स्पोर्ट्स मेरी नज़रों में एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है जिसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आती हैं। तो मेरा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि आपकी इस बास्केटबॉल की ज़िंदगी में, इस बास्केटबॉल को अवेयर करने से पहले की क्या जिंदगी थी और इस बास्केटबॉल को अवेयर करने के बाद आपकी क्या जिंदगी में चेंजेस आए, वो भी जरा प्लीज। ऑफ कोर्स जो आम बच्चों की रूटीन होती है, खाना पीना, स्टडी एंड जस्ट रिलैक्स, तो मेरे भी यही था, कोई एम नहीं था, कोई गोल नहीं था कि आगे जा क्या बनना है, मैं बल्कि कंफ्यूज था कि अपने प्रोफेशन आगे जाके क्या सिलेक्ट करूंगा। घर वालों को आपको पता है यही होता है, हमारी जो सोसाइटी है या तो डॉक्टर या तो इंजीनियर, तो फिर मैं कुछ अलग करना चाहता था। तो फिर काफ़ी अच्छा एक मुझे मिल गया, खुदावंद का शुक्र है कि मेरे जेहन में एक बास्केटबॉल का आया, तो मैं अब उसके साथ ही, फिर पहले तो ये था कि बस जेहन खाली, तो आपको पता है जेहन खाली तो वो फिर, तो फिर ऐसे बास्केटबॉल में ज़रा एक टाइम भी बिजी भी हो जाता है और एक अच्छी बात भी है, एक बंदा एक्टिव भी रहता है और काफ़ी सोसाइटी में एज अ रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो बाद में पहले ये था, फिर बाद में जैसे ही बास्केटबॉल को मैंने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद काफ़ी एक टाइम गेनिंग मिल गया कि पता है कि इस टाइम गेम करनी है, फिर जेन में हर टाइम गेम होती थी, शौक भी बहुत ज़्यादा था, तो फिर सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट भी मिली कि एज अ बास्केटबॉल प्लेयर कि ये बास्केटबॉल खेलता है। तो बड़ी खुशी होती है जब कोई कहता है आपको कि आपके बारे में कोई गुफ्तगु अच्छी करता है, पॉजिटिव, बहुत जरूरी है, तो बड़ी खुशी होती है। फिर पहले तो सारे कहते थे कि जी जब मैं नहीं करता, जब मैंने शुरू की थी तो कहते थे कि जी कुछ भी नहीं मिलना इससे, पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, ओनली स्टडी, स्टडी भी करनी चाहिए लेकिन साथ कोई फर्दर एक्टिविटी होनी चाहिए, बेशक, बहुत जरूरी। तो फिर मैंने शुरू की, फिर पहले तो सारे कहते थे कि कुछ भी नहीं मिलना इससे, पाकिस्तान में स्कोप नहीं है इसका, जो कि नहीं भी है, लेकिन फिर भी मैंने की, सेटिस्फाई किया अपने आप को, मैंने बातें एक अलग रख के अपने आप बास्केटबॉल शुरू किया। फिर अब वही जो लोग मुझे कहते थे कुछ नहीं मिलना, वही अब मुझे एक एज अ रिस्पेक्ट देखते हैं और उनको भी खुशी होती है, और काफ़ी मेरे रिलेटिव्स भी कहते हैं जी हमारे बच्चों को भी बास्केटबॉल सिखाएं, जो कि पहले कहते थे कि नहीं इसका कुछ नहीं बनना, वो अब कहते हैं कि नहीं अब आप हमारे बच्चों को भी टीच करें बास्केटबॉल। तो मुझे जिस हद तक आता है मैं उनको कहता हूँ ज़रूर, क्यों नहीं। तो मतलब आपने इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया, दैट मेरा भी मानना यही है दैट स्टडी इज एवरीथिंग बट नॉट ईच एंड एवरीथिंग। हमारी जिंदगी में एक लाइफ चेंजिंग होना बहुत जरूरी है, जो कि मेरी नज़रों में वो बहुत मैटरेबल है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कुछ इस तरीके से है कि आपकी इस एक्टिविटी को लेने के बाद आपकी सोसाइटी में आपके नजरिया को कैसे लोग देखने लग गए थे? जैसा कि आपको पता है कि जैसे काम बंदे का होता है ना, वो उसी नज़रिए से पहचाना जाता है। बिल्कुल, इफ़ यू डू नेगेटिव थिंग्स तो आपको लोग नेगेटिव जरिए से ही देखते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है ये। तो जब मैंने बास्केटबॉल सेलेक्ट किया, तो कभी कहीं मैं जब ऐसे बाइक पे जाता हूँ किट लेके ग्राउंड खेलने के लिए, सारे देखते हैं कि कहते हैं कि ये लड़का बास्केटबॉल खेलता है, ये बास्केटबॉल प्लेयर है, मैचेस वगैरह खेले तो फिर जीते, तो वो लगाते हैं फोन पे स्टेटस वगैरह देखते हैं सारे, तो फिर गुफ्तगु होती है बारे में, तो पता लग ही जाता है बंदे को कि कोई उसके बारे में कहीं ना कहीं से, तो बड़ी खुशी होती है कि एक कोई आपके बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रख रहा है। बिल्कुल, तो इसी वजह से ये फैक्ट। तो जैसे आपने अभी बताया कि आप दिन में, पूरे दिन में 10 घंटे देते थे, मतलब ये 10 घंटे देने का मकसद क्या था? मतलब देखिए, अगर मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करूं तो मैं भी कुछ काम ऐसे करता हूं जिसमें मुझे अपने आपको टाइम देना पड़ता है, लेकिन 5 घंटे सुबह और 5 घंटे रात, उसमें आपने क्या मकसद क्या था क्या आपका क्या क्या मतलब कभी क्या आपने सोचा था कि आप इस लेवल पर होंगे कि आपको इतना टाइम देने की वजह से आपको बाद में पछतावा नहीं बल्कि खुशी होगी?
मैं फिर से शुक्र करता हूँ खुदा का कि उन्होंने मेरे जेहन में एक बास्केटबॉल की फील्ड डाली। मैं बहुत शुक्र करता हूँ। यही है कि जब बास्केटबॉल बंदा मैंने शुरू किया 5 घंटे, ये एक शौक होता है। बिल्कुल, जब आप किसी चीज को जबरदस्ती करते हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे या 3 घंटे इनफ, उसके बाद आप मेंटली थक जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप शौक हो ना, जितनी मर्जी थकने वाली कोई भी चीज हो आप नहीं थकेंगे। बिल्कुल, क्योंकि शौक होता है आपका रुझान जाता है उस तरफ। बिल्कुल, मेरा भी शौक था तो सुबह में मैं अपनी गेम करता था, शाम को आके सीनियर्स को देख के सीखना, फिर सीनियर से बाद में जब उनकी गेम खत्म हो जाती थी वो बैठते थे पानी पीते थे, हर किसी जिसकी जो चीज अच्छी लगती थी वो पूछना, सर ये मुझे थोड़ा टीच कर दे, मुझे ये आपकी चीज बहुत अच्छी लगी है। तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की, उन्होंने जो जो चीज जैसे जैसे उनको कहा उन्होंने सिखाई, तो उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे खाली नहीं छोड़ा, उन्होंने सिखाया। उनसे थोड़ा पूछता था, वो जिगा ज्यादा सिखाते थे जिससे मुझे सीखने का मौका ज्यादा मिला। बेहतरीन। तो इसी वजह से शौक था। तो और जब सोसाइटी कहती भी थी और घर वाले भी कहते थे कि कुछ नहीं बनना, तो एक जेन में मेंटली बंदे का होता है कि नहीं अब कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल, तो ये भी था, एक बर्डन भी था कि नहीं कुछ करना है। तो अब शुक्र है खुदा का, एक अच्छी रिस्पेक्ट है एक बास्केटबॉल ग्राउंड में, एक पता है कि हनुक अरुण कोई प्लेयर है एज अ जूनियर ही, लेकिन प्लेयर है, प्लेयर है। तो मेरा फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए है, प्रोफेशनल लाइफ में, मतलब देखिए अब आपने अपनी उस एक्सेप्टेंस को ले लिया दैट यू आर अ बास्केटबॉल प्लेयर नाउ, आपने इस प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कोई काम या कोई ऐसा गोल या कोई ऐसा सीन क्रिएट किया हो जो उस मोमेंट पे आपको लगा हो कि नहीं यार I'm built to be a basketball player. मैं बना ही basketball player के लिए हूँ, कुछ ऐसी कहानी। तो मैं चूंकि पहले फर्स्ट मैंने टूर्नामेंट खेला था डायमंड डायसिस की टीम से, जो अब लेकिन मैं डॉन बॉस्को में चला गया हूँ, डॉन बॉस्को एक है टीम उधर चला गया हूँ। तो इससे टूर्नामेंट हुआ है कदाफी स्टेडियम में, तो मैं खेलने गया, तो डॉन बॉस्को जो मेरी टीम है वो नहीं आ रही थी, तो होपफुल लाइट के मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो मुझे कहते हैं यार आप ना हमारी तरफ से खेलो अगर आप डॉन बॉस्को की टीम से नहीं खेल रहे तो। तो मैंने कहा जी जरूर, क्योंकि मुझे खेलने का शौक है, मुझे ये नहीं कि किसकी तरफ से खेल रहा हूँ कैसे खेल रहा हूँ, मुझे सिर्फ खेलने का शौक है। फिर मैंने अपने कोच को कॉल की कि सर आपकी अगर टीम नहीं आ रही मैं किसी और परमिशन ली, क्योंकि परमिशन लाजमी है, जरूरी है। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई मसला नहीं, टीम नहीं आ रही तो आप खेलो। फिर उनकी तरफ से खेला, तो एक होता है ब्लॉक जो गोल रोकने के लिए किया जाता है, तो कदाफी स्टेडियम में मैं गया, तो आधे मैच में मैं लेट हो गया था थोड़ा, तो मैं गया तो टीम वाले काफी खुश हुए, उनको काफी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मेरे से। मैंने खुदा का नाम लिया और दुआ की कि ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से मैं इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। बिल्कुल, सिर्फ अच्छा खेलो ही ना, ये जो मेरे से उम्मीद कर रहे हैं मैं इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूं। फिर जैसे ही मैं गया, जाते साथ ही काफी अच्छा खेला भी, फिर मैंने एक ब्लॉक था वो जो मैंने मारा, तो मेरे सीनियर सारे बाहर बैठे हुए थे, उनका भी मैच था उससे पहले बाहर बैठे थे, तो वो सारे उन्होंने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया, तो मेरा नाम लिया, जहां से मुझे पता चला कि नहीं मैं मेहनत का मुझे कुछ सिला मिला है। क्योंकि हमारे लिए ये बहुत होता है कि कोई सीनियर खड़ा हो के तो स्टैंडिंग ओवेशन और आपका नाम ले, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर जैसे मैच खत्म हुआ मैं बाहर आया तो सारे मेरे गले मिले, सारे सीनियर्स, तो मुझे बहुत खुशी हुई। देन आई रियलाइज दैट मैंने कुछ किया। बिल्कुल, जो कुछ किया जरूरी चीज थी। हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं और इस इख्तितामिया सवाल में मैं सिर्फ एक बात आपको कहना पसंद करूंगा। एक प्रैक्टिकली अगर एक बंदा अगर खिदमती तौर पर आए तो अगर उसने अपनी खिदमत को और अपनी स्पिरिचुअलिटी को मजबूत करना है तो वो किस तरीके से कर सकता है? ज्यादा टाइम देने की वजह से, अपने आप के ऊपर फोकस रखने से, और अपनी इन तमाम एक्टिविटीज को जो उसके लिए बाहर से बरकत है। हमारी बी योरसेल्फ की कंपेन को शुरू करने का मकसद यही था कि आप जैसे प्रोफेशनल लोग और आपके साथ होने वाले, ऑफकोर्स आप अकेले तो नहीं ना खेलते, पूरी टीम है आपका, एक पूरा ब्रांच है, आप एक किसी के साथ खेलते हैं, आप किसी के थ्रू खेलते हैं। अब वो जो लोग हैं आप उनकी जिंदगी में भी तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई होंगी या उनके स्कोप्स या उनके गोल्स या कुछ और होंगे, या क्या पता उनको खुदा ने ऐसे किया हो। एक लास्ट बात जो कि मैं आपके साथ करना पसंद करूंगा, और मेरा एक्चुअली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे नाज़रीन को, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए कोई लास्ट शॉर्ट मैसेज अगर देना पसंद करें अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स। मैं यही देना चाहूंगा कि जो इस कैंपेन का स्लोगन भी है बी योरसेल्फ,
मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कुछ भी करो अपने दाम पर करो, बिल्कुल कुछ छोटा भी करो ना, शुरू तो करो लेकिन अपने दाम पर करो, बिल्कुल मुझे ये स्लोगन बहुत अच्छा लगा। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी करो एज अ स्पिरिचुअल या बिबिकल, आपने पास्टर बनना है, एज अ स्पोर्ट्समैन बनना है या कोई बिजनेसमैन बनना है, खुद से शुरू करो, किसी पे मतलब के डिपेंडेंट ना रहो, बिल्कुल तो खुद करो शुरू। तो जैसे खुद शुरू करोगे फिर ऊपर खुदा देने वाला, बैठा फिर वो जो मेहनत करता है उसकी रिस्पेक्ट करता है, फिर जैसे ही आप शुरू करोगे जाहिर है हार्ड वर्क करोगे तो खुदा आपको इज्जत देगा। बेहतरीन, आई एम सो थैंकफुल टू यू अनूप भाई कि आपने अपने वक्त में से लिए हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। और मेरी भी आपसे दरख्वास्त है कि अब आप लोगों की बारी है, अगर आप लोग जो हमारे व्यूवर्स हैं और देखने वाली जात जो भी देख रही है, अगर उसकी जिंदगी में ऐसा कोई प्रोफेशनलिज्म में कुछ खुदा ने उसको तोड़ा दिया है और अगर वो जानता है और अगर वो चाहता है और अगर वो जानता है कि वो यहाँ पर आकर हमारे साथ बैठ कर और आप जैसे तमाम लोगों के साथ अपनी हालात जिंदगी को डिफाइन करें, तो नेशनल न्यूज़ नामा का प्लेटफॉर्म उन तमाम जैसे नौजवानों के लिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स हमारे हर एक तरह के नौजवान के दिल में आए और वो अपनी जिंदगी को रायगा ना जाने दें और अपनी हर एक तरह की एक्टिविटी में खुदावंद की बरकत और अपनी जिंदगी को मोर इंप्रूव कर सकें ताकि हमारे मुल्क, हमारे पाकिस्तान, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी का नाम अच्छे से रोशन कर सकें। आई एम सो थैंकफुल टू यू आपके तमाम वक्त का, आपकी तमाम मोटिवेशनल स्पीकिंग का, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ प्रोफेशनल चाहे जिस मर्जी तरीके का हो, हर बंदे की मेहनत उसकी अपनी खुद की होती है, देने वाली जात खुदावंद के ऊपर बैठी है। अब आप चाहते हैं कि अपने तमाम, मेरी उम्मीद है कि आप आइंदा आने वाले भी तमाम कामों में, अपनी तमाम मैचेस में कामयाब हों और अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी का नाम रोशन करें। और जिस तरीके से आप बढ़ते जा रहे हैं, मेरा ईमान है कि आप जल्द ही आने वाले वक्त में इस प्रोग्राम को भी जरूर याद करेंगे कि मैंने अपनी लाइफ के शुरू में एक प्रोग्राम दिया था। मेरी आप जैसे तमाम भी देखने वाले व्यूअर्स से दरख्वास्त है इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें ताकि हमारे स्पोर्ट्स के इस तोड़े को खुदावंद ने जो हमें दिया है हम अपनी सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकें। अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, हमें और हमारी तमाम टीम के लिए दुआ में याद रखा करें, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दें ताकि हमारे इस इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स के इस प्रोग्राम को हम अच्छे से बयान कर सकें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, पाकिस्तान जिंदाबाद।